कंप्यूटर बाबा वैसे तो एक संत थे, पर नर्मदा बचाओ के नाम पर कभी रेत माफियाओं के खिलाफ मोर्चा भी खोल देते हैं। इस वक्त कमलनाथ सरकार की कवच अस्त्र बनकर निकले हैं मैदानी चुनावी जंग में कंप्यूटर बाबा। कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार के खिलाफ जंग का बिगुल भी बजा दिया है। कंप्यूटर बाबा लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरू की है, जो 25 विधानसभा चुनावों में जाकर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए उन सभी पूर्व विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोलेगी और जनता से इन्हें वोट न देने की अपील भी करेगी। इसी तारतम्य से आज कंप्यूटर बाबा देवास पहुँचे हैं। देवास के होटल में उन्होंने प्रेस वार्ता की, पर कंप्यूटर बाबा भूल गए कि इस कोरोना महामारी में उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। इस पूरे कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो कंप्यूटर बाबा उन पर भी बिफर गए और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नियम मीडिया पर भी लागू होता है। अपने आप संतों को तो भी बुलाए नहीं गया, जो संत वास्तव में उससे जुड़े रहे, जिन्होंने बलिदान दिया राम मंदिर में, वो आज तक किसी को बुलाया नहीं गया माननीय प्रधानमंत्री। ऐसा क्यों हुआ है? मेरी तो समझ के परे है। क्या संतों का अपमान है? जिनके साथ क्या संतों का अपमान है? हाँ, अपमान है। संत सनातन धर्म के रक्षा करते हुए कहते थे कि आरएसएस संघ के हम संतों के सहभागी हैं, धर्म की पार्टी है, धर्म के लोग हैं। पर मुझे लगता है चारों शंकराचार्य को ना बुलाना, रामानंदाचार्य को नहीं बुलाना दुख की बात है। और साथ में ये जो चार महीने चतुर्मास है, इसमें किसी प्रकार की पूजा नहीं होती है। उसमें पूजा करना, भूमि पूजन करना, संत समाज के कितने संतों ने बलिदान दिया था उस समय, हजारों संतों ने बलिदान दिया है, तो क्या संत समाज उनके बलिदान का बदला लेगी? अब क्या होगा, संत समाज उसके निर्णय करेगी। धन्यवाद। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।